कारक के तीन भेदों को पढ़ा और आज हम कारक का चौथा भेद पढ़ेंगे। चौथा भेद है संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। संप्रदान कारक का की परिभाषा हम इस प्रकार देखेंगे कि इससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है, यानी कि हम जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न करते हैं वहाँ संप्रदान कारक पाया जाता है। संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ में होता है, जैसे पिताजी ने मेरे लिए साइकिल खरीदी, मैंने संगीत के लिए स्वेटर बुना। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। अनेक बार क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ के लिए छिपा भी रहता है। दावत खाने नहीं चलना क्या, तो इसमें के लिए है वो छिपा हुआ है। सुनंदा तो कपड़े खरीदने गई है, खरीदने के लिए गई है, के लिए यहाँ पर लोप है। तो कभी कभी क्रियार्थक क्रिया संज्ञाओं के साथ में के लिए छिपा भी रहता है। इसके साथ बाद में हम पढ़ेंगे अगला भेद अपादान कारक, जिसमें से का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। इससे क्रिया के संपन्न होने के साथ स्थान या परिवर्तन का बोध होता है। इससे स्थान परिवर्तन या अलगाव का भाव प्रकट होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अपराधी जेल से भाग गया। कुछ शब्दों के साथ से अलगाव का प्रयोग इस प्रकार होता है, वह दशहरे से पहले घर आया था, चोर इस द्वार से बाहर निकल गया, मेले में वह मुझसे अलग हो गया। तो इस प्रकार अपादान कारक का प्रयोग है वो से अलग से किया जाता है। अब इसके बाद में अगला भेद है संबंध कारक। जैसे कि आपको पता है कि इससे संज्ञा और सर्वनाम के बीच परस्पर संबंध का बोध होता है। इस कारक के द्वारा का के की रारे ये इसके विभक्ति चिन्ह है, जैसे उनके एक बेटा है, तुम्हारे दो भाई हैं, अपने मित्र नहीं है, कक्षा 9 के छात्र कुशाग्र बुद्धि के हैं। तो यहाँ पूर्णतया संबंध का बोध होता है, वह कार मेरी है, तुम वह तुम्हारा भाई है, तुम उसकी बहन हो। तो ये सब संज्ञा और सर्वनाम के बीच परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए इसे संबंध कारक कहा जाता है। तो हमें वाक्य में पहचान करनी होती है कि इसमें किस प्रकार का कारक है, तो इसके लिए हमें कारकों की परिभाषा को समझना और उनके विभक्ति चिन्ह याद करना जरूरी है।